डिजिटल मीटर फोन रॉयल इनफील्ड। तो आज हम बात करने वाले हैं डिजिटल मीटर के ऊपर और देखते हैं क्या वो वीडियो आपकी किसी काम की है। कम से कम एक साल पहले मैंने ये मीटर के ऊपर भी एक वीडियो बनाया था और ये दोनों चीज़ों को मैं गिफ्ट करने वाला हूँ जो हमारे इंस्टाग्राम फॉलोवर रहेंगे। तो अगर आपने इस वीडियो को लाइक और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो जल्दी से फॉलो कर लीजिए, क्योंकि ये मीटर और ये मीटर दोनों आपको मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले दिखा देते हैं कि सबसे मेन जो सॉकेट है वो हमारा ये सॉकेट है, ये वाला। इसको सिंपल है, इसके अंदर लगना है। और दूसरे नंबर का हमारा जो इसके अंदर से एक वायर जा रही है, ये वाली वायर, और ये जाएगी पीछे TCI यूनिट के अंदर, और वो TCI यूनिट है हमारी यहाँ पर। तो एक बार इसको दिखा देता हूँ कि किसके अंदर ये फिट है। तो ये मैंने ऑलरेडी सारा सामान फिट कर दिया है। इसकी जो भूरे कलर की वायर है यहाँ पर, इसके अंदर सिंपल फिट करना है, बस हो गया। और अब रहा लास्ट हमारा फ्यूल गेज के लिए, और जो फ्यूल गेज के लिए हैं उसके लिए हमारी ये वायर पीछे की साइड आएगी, और यहाँ पर लगता है गेज हमारा फ्यूल गेज, और उसका सॉकेट रहा ये। बस इसको इसके अंदर फिट कर देना है और ऊपर अंदर से सेट कर देना है अच्छे तरीके से। और अब देखिए मीटर हमारा काम करना चालू कर देगा। इंडिकेटर भी और फ्यूल गेज भी। बस एक इसके अंदर हमारा जो इंडिकेशन, सॉरी न्यूट्रल लाइट का इंडिकेशन है वो नहीं दिखेगा। और एक RPM मीटर इसका देखिए क्या ज़बरदस्त दिखता है। और हम चाहें अपने डायल का अपने अकॉर्डिंग इसके कलर चेंज कर सकते हैं। एक बार मैं दिखाता हूँ, ये हमारा है ऑडोमीटर, और इसको हमें 10 सेकंड तक का दबा के रखना है और 10 सेकंड बाद इसका कलर चेंज हो जाएगा जिस हिसाब से या जो कलर आपको सूटेबल है वो कलर आप रखेंगे इसके अंदर। मेरे ख्याल से 5-6 कलर हैं इसके अंदर। एक और आपको ड्रॉपबैक बता दें कि इसकी में इंडिकेशन न्यूट्रल लाइट इंडिकेशन नहीं है, ये एक ड्रॉपबैक है। पर उससे भी बड़ा इसमें जो ड्रॉपबैक है, जब आप इसको ख़रीदें तो मैं आपको सिर्फ एक ही राय दूंगा कि इसे ख़रीदें, उसके साथ साथ इसकी मीटर केबल लें एक अलग, क्योंकि इसकी मीटर केबल अलग आती है। एक बार मैं दिखा देता हूँ, अब ये रही इसकी मीटर केबल, और मेरे को लगता नहीं है कि इतनी रिवाइवल है या उतनी कारगर रहेगी, ज़्यादा चलने लायक रहेगी। तो अगर ये वायर टूट गई तो जो हमारी पुरानी वायर होती है वो इसके अंदर लग नहीं सकती। तो मेरी राय आपके लिए यही रहेगी कि अगर आप इस डिजिटल मीटर को ख़रीदते हैं तो साथ में एक सेट इसकी मीटर वायर ज़रूर खरीद लें, और वो भी इन्हीं से कांटेक्ट करके आप खरीद सकते हैं, अदरवाइज मार्केट में नहीं मिलेगी। तो फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।